नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा प्रोजेक्ट 75I को 43,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। डैक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्रोजेक्ट 75I में 6 कन्वेंशनल क्लास सबमरीन्स के निर्माण के लिए RFI जारी करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना में जो अत्याधुनिक सबमरीन्स का डेवलपमेंट होगा वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स स्वदेश में ही निर्मित होंगे। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में आमतौर पर पानी के नीचे ऑपरेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के उपयोग किए बिना ही सबमरीन्स के बैटरी को ऑपरेट कर सकता है और उन्हें रिचार्ज करने की भी क्षमता रखता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन्स में लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करने की भी क्षमता होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और LNT को शिपयार्ड्स के रूप में सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबमरीन का फाइनल डिजाइन होगा उसका डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ये दोनों कंपनियां मिलकर करने वाली हैं। इस बिड के लिए 5 फॉरेन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि है रशिया की रूबन डिजाइन ब्यूरो जो कि ऑफर कर रही है अमूर 1650 क्लास सबमरीन को। वहीं फ्रेंच नेवल ग्रुप अपने कन्वेंशनल बाराकुडा डिजाइन को ऑफर कर रही है। स्पेन अपने नेवेंशिया S80+ को ऑफर कर रही है और जर्मनी EKMS STW 214 को ऑफर कर रही है। लास्ट में साउथ कोरिया की DSME है जो कि अपने लेटेस्ट DSME 3000 को ऑफर कर रही है। इस रेस में साउथ कोरिया एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। 10 साल पहले तक साउथ कोरिया को डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में कोई भी नहीं जानता था। 2011 में साउथ कोरिया की डाउ शिप बिल्डिंग एंड मैरिटाइम इंजीनियरिंग कंपनी को 3 अपग्रेडेड टाइप 209 सबमरीन का ऑर्डर इंडोनेशिया से मिला। टाइप 209 एक जर्मन डिजाइन सबमरीन है जिसको इंडियन नेवी भी यूज करती है। इसके बाद BASME ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को जारी रखते हुए स्वदेश में ही एडवांस गोशान आन चांगो क्लास सबमरीन को रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी के लिए डेवलप किया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी को 10 गोशान आन चांगो क्लास सबमरीन की रिक्वायरमेंट है, जिसे 3 बैचेस में डिलीवर किया जाएगा। इस सबमरीन में मिसाइल और टॉर्पीडोज फायर करने की कैपेबिलिटी है। जो इसका सबसे यूनिक फीचर है वो है इसमें लगे हुए वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब्स, जो कि सिर्फ US और रशियन न्यूक्लियर सबमरीन में देखे जाते हैं। ये किसी भी डीजल अटैक सबमरीन में नहीं होता है। इस सबमरीन में ऐसे 6 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स लगे हुए हैं जो कि क्रूज मिसाइल्स को फायर करने में कैपेबल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में DSME ने इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के लिए बिड किया था। इंडिया को जो सबमरीन ऑफर किया जा रहा है वो है DSME 3000, जो तोशान आन शेंगो सबमरीन का ही एक वेरिएंट है। इसके मॉडल को हाल में ही इंटरनेशनल मैरिटाइम डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन यानी MADEX में दिखाया गया था। अगर हम इस सबमरीन की बात करें तो ये 3300 टन डिस्प्लेसमेंट वाले सबमरीन है, जिसका लेंथ 83.5 मीटर्स, बीम 9.7 मीटर्स और ड्राफ्ट 14.7 मीटर्स है। इसकी मैक्सिमम सबमर्ज स्पीड 20 नॉट्स पर आवर है, लेकिन इस सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स नहीं होगा क्योंकि इस सबमरीन को इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइज किया गया है। हालांकि अभी पूरी डिजाइन फाइनलाइज नहीं की गई है। पैकेज डील के रूप में साउथ कोरिया सबमरीन के साथ साथ सबमरीन रेस्क्यू वेसल भी इंडिया को ऑफर करने वाली है। इन 5 फॉरेन कंपनियों में सिर्फ PMK और DSME के पास AIP बेस्ड फ्यूल सेल डिजाइन को प्रोड्यूस करने का एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि AIP सिस्टम इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। दोशान आन चांगो क्लास के सबमरीन में AIP टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज होता है और साउथ कोरिया की AIP बेस्ट इन क्लास मानी जाती है। फ्यूल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स को लंबे समय तक सबमर्ज यानी पानी के अंदर रहने की काबिलियत प्रदान करता है। इस सिस्टम को बैटरी की जरूरत नहीं होती। जब तक इसमें फ्यूल सेल का कंटिन्यूस सोर्स मिलता रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो समुद्र से प्राप्त किया जा सकता है, ये काफी लंबे समय तक पानी में रह सकती है। इसका एग्जैक्ट टाइम
कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। लेकिन सिर्फ AIP टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना सही नहीं है, इसके साथ साथ जरूरत है एक अच्छी क्वालिटी बैटरी की जो कि इसके एंड्योरेंस को और भी बढ़ा देती है। इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए ही सबमरीन्स को सरफेस या पेरिस्कोपिक डेप्थ पे आना पड़ता है। पहले जो सबमरीन्स यूज होते थे उनमें लीड एसिड बैटरीज का यूज होता था। DSME ने इंडियन नेवी को जो सबमरीन्स ऑफर किया है उसमें लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिनकी इफिशियंसी एसिड बैटरी से काफी बेहतर है। एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम आयन बैटरीज को सरफेस पे आने की काफी कम जरूरत पड़ती है, वहीं एसिड बैटरीज वाले सबमरीन को बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। लेकिन सिर्फ AIP टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना सही नहीं है, इसके साथ साथ जरूरत है एक अच्छी क्वालिटी बैटरी की जो कि इसके एंड्योरेंस को और भी बढ़ा देती है। इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए ही सबमरीन्स को सरफेस या पेरिस्कोपिक डेप्थ पे आना पड़ता है। पहले जो सबमरीन्स यूज होते थे उनमें लीड एसिड बैटरीज का यूज होता था। DSME ने इंडियन नेवी को जो सबमरीन्स ऑफर किया है उसमें लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिनकी इफिशियंसी एसिड बैटरी से काफी बेहतर है। एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम आयन बैटरीज को सरफेस पे आने की काफी कम जरूरत पड़ती है, वहीं एसिड बैटरीज वाले सबमरीन को बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। दोस्तों ये था हमारा आज का अपडेट। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लें ताकि आपको हमारी सारी अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की सेना।